लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दिसंबर का आखिरी हफ्ता है और शायद इसी हफ्ते के अंदर 31 दिसंबर होगी, जिसे लोग 31st नाइट के नाम से जानते हैं। यही सब होगा। और अब ये लानत और नहुसत बड़े शहरों से, मगरबी शहरों से चलते चलते मशरिक में आई, और मशरिक में भी बड़े जो वो हिंद के बड़े बड़े शहरों से अब हमारे मालेगांव शहर के अंदर भी ये नहुसत और लानत आ गई। अब यहां भी 31st नाइट का एहतमाम होने लगा है, इसलिए कि लोग मरऊब इतने हो गए मगरबी तहजीब से, अंग्रेजों से, अंग्रेजों की तहजीब से, उनके कल्चर से इतने मरऊब हो गए, अब अपने आप ही हो रहा है। और जिनको मिलादुन नबी के मौके पर जो बेचैनी रहती थी शिर्क और बिदत के फतवे देने की, इस वक्त वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, जबकि यही 31st नाइट का मौका है। शराब, जिना, लिवातत, बदकारी, बदफेली, डांस, बारों का आबाद किया जाना, पैसों का लुटाना, पैसों का जाय करना, ये सब कुछ हो रहा है। बल्कि अभी तो हमारे शहर मालेगांव के एक बुर्का फरोश ने, बुर्का मेकर ने अखबारात के अंदर मजमून शाये किया, शाये करवाया, उसने मजमून लिखा। मजमून का खुलासा यह है कि हमारे शहर के बुर्का फरोश के पास जो लड़कियां या उसका नुमाइंदा बुर्का सिलाने के लिए ले जाता है, वो 31st नाइट से पहले बुर्के का मुतालबा करता है। और उनका कहना यह है, उस बुर्का फरोश का कहना यह है कि यह सिलसिला बरसों से चल रहा है। अब यहां पर कहने की बात यह है, दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर 31st नाइट के लिए बुर्के सिए जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम बेटियां भी 31st नाइट में शरीक हो रही है। अगर ये सूरत हाल है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, क्योंकि जिस मजहब ने औरत को नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ मस्जिद में जाने से रोक दिया फितने की वजह से, असल हुक्म तो यही है, असल हुक्म दौरे रसालत से यही है कि औरत मस्जिद में जा सकती है, लेकिन फितने के खौफ से सैयदना फारूक आजम ने रोक दिया कि नहीं, अब औरतों की इज्जत को खतरे में देखकर या औरतों की कैफियत को देखकर उनकी आबरू को बचाने के लिए फारूक आजम ने कहा, अल्लाह की बंदियां अब अल्लाह के घर में नहीं आएंगी इज्जत की हिफाजत की खातिर, और फिर रोक दिया गया औरतों को मस्जिद से। तो जिस मजहब के अंदर औरतों की इज्जत के तहफ्फुज की खातिर औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया गया है, उस मजहब की मानने वाली बेटियां फिर 31st नाइट मनाने के लिए किस तरीके से बारों की तरफ जा सकती है, किस तरह आबरुओं का सौदा कर सकती है। अगर गुंबदो मीनार के शहर में ये बात है तो हम बहुत दर्द के साथ ये कहते हैं, ये बहुत बड़ा आलमिया है। बाप को, भाई को, घर के लोगों को तवज्जो करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरा गुमान कहता है, मेरे दिल की आवाज कहती है, मेरे ज़मीर की आवाज कहती है कि मेरे शहर मालेगांव की बेटियां ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह हू अकबर, आज भी उनके अंदर ईमानी जज्बा, हया, गैरत, परहेजगारी मौजूद है, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है। तो बात ये है, जो लड़कियां मजहबी है, जो लड़कियां मसलकी है, जो लड़कियां मशरबी है, यानी दीन, धर्म, मसलक और मजहब से जिनका ताल्लुक है, वो कतान ऐसी नहीं है, बल्कि वो लोग जो जराइम पेशा लोग हैं, वो बुर्के को बदनाम करने के लिए, या जो मुशरिकीन हैं, जो लोग जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, वो लोग बुर्के को बदनाम करने के लिए जब जिना के अड्डों पर जाते हैं तो बुर्के पहन करके जाते हैं, जब वो जिना के अड्डों पर जाते हैं तो बुर्के के साथ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तीर से दो शिकार हो जाए, एक तो उनका चेहरा बच जाए और दूसरा यह कि बुर्का पहनने वाले
वाली बच्चियां बदनाम हो जाए, अब ऐसी नाजुक सूरत हाल में बुरके वाली की इज्जत भी बच जाए और ये जराइम पेशा लोग बेनकाब हो जाए, तो उसके लिए करना क्या चाहिए? क्या नेक बच्चियां बुरका छोड़ दें? क्या नेक बच्चियां बुरका तर्क कर दें? नहीं नहीं, बुरका हम तर्क नहीं कर सकते। फिर क्या करें? उसका तरीका सबसे खूबसूरत जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि फिर हम ये बुरका ना पहने, मेरी बेटियां ये बुरका ना पहने, मेरी बहने ये बुरका ना पहने, बल्कि जो मदनी बुरका है जो मुस्तफा जान रहमत के दौर में पहना जाता था वो बुरका बच्चियां पहनना शुरू कर दे, तो आवारा लड़कियों में और कनीजाने फातिमा के अंदर दोनों में फर्क हो जाएगा। आप कहेंगे ये मदनी बुरका कौन सा है, मदीने वाले की तहजीब के मुताबिक बुरका कौन सा है? तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ना फरमाती है कि हुजूर के दौर में जो बुरका पहना जाता था वो इंतहाई भद्दा बुरका होता था। औरतें जब चलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके सरों पे कौवे बैठे हुए हैं, और इतना ढीला ढाला होता था, उस पर कोई डिजाइन नहीं होती थी, उस पर कोई रंग रोगन वाला मामला नहीं होता था, यानी कि ये जो डिजाइन वाले बुरके ये सब नहीं, बहुत सादा सिंपल बुरका होता था। बल्कि आज से 900 साल पहले इमाम गजाली ने फतवा दिया था कि डिजाइन वाला बुरका पहनना नाजायज है, सिंपल बुरके पर आ जाए। शरीफ लड़कियां अगर आबरू बचाना चाहती है तो फिर ये फर्क हो सकता है कि चूंकि जराइम पेशा लड़कियां तो ये सिंपल बुरका नहीं पहन सकती, जैसे जराइम पेशा लोग सुन्नत रसूल के सांचे में नहीं ढल सकते। आप देख लें, जराइम पेशा लोग दाढ़ियां रख लेते हैं लेकिन सुन्नत के सांचे में नहीं ढल पाते हैं, तो इसीलिए फिर फर्क हो जाता है कि असल गुलाम मुस्तफा कौन है, जराइम पेशा लोग कौन है। तो इसी तरीके से बुरके में भी एक पहचान बना ली जाए, बुरके सैंपल हो, बड़ा भद्दा कपड़ा, यहां तो कीमती से कीमती कपड़ा होता, एकदम सैंपल कपड़ा, इज्जत ही बचाना। मैं कहता हूं अगर सैंपल कपड़े में इज्जत बचती है तो वो डिजाइन वाले करोड़ रुपए के बुरके से बेहतर है, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हम मुजम्मत करते हैं इसकी 31st नाइट को जो बुरके का मिसयूज हो रहा है। मैं फिर कहता हूं मुस्लिम बच्चियां मेरी कौम की इतनी बेबाक नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है उनकी आबरू पर और उनकी हया पर, जो मस्जिद आने के लिए जिद नहीं करती वो बार में क्या जाएगी, और जो जाती हैं उनका सज्जदा फातिमतुज़्ज़हरा से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए जाती है, वरना जो कनीज़े फातिमा होगी वो तो मर जाना पसंद करेगी लेकिन कभी बार में जाना पसंद नहीं करेगी। इसलिए हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें भी थोड़ी तवज्जो करनी पड़ेगी। हर नौजवान की जुत्थे अपने मोहल्ले में बैठकर नजर रखे, कौन कहां आता है कौन कहां जाता है। थोड़ा सा इस पर सिर्फ नमाज रोजा पढ़ करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये जो इदारे बना बना रखे हैं ना मोहल्लों के अंदर, ये सिर्फ रात के 3-3 बजे तक पड़े रहकर के, औंधे पड़े रहकर टीवी देखने के लिए नहीं है। ये जो मोहल्ले के इदारे कलबे हैं ना, इनको अपना काम करना चाहिए। ये बैठे मोहल्लों के अंदर और नजर रखे कौन कहां जा रहा है, और अगर किसी के कदम गलत तरफ उठते देखे तो उसके माँ बाप को तंबीह करें, अगर मोहल्ले में रहना होगा तो मुस्तफा जाने रहमत के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और मुस्तफा जान रहमत का कानून क्या है? किसी मुल्क के खिलाफ कानून नहीं है, मुस्तफा जान रहमत का कानून है औरत की इज्जत की हिफाजत, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत, एक दूसरे के वकार की हिफाजत, हलाल रोजी, यही उनका कानून है। वल्ला कोई सच्चा मुल्क मुस्तफा जान रहमत के कानून का कभी मुखालिफ नहीं हो सकता, इसलिए कि उनका कानून तो पूरी कायनात के लिए, और इतना खूबसूरत है, सुबह उठना जल्दी उठना उनका कानून है, पूरा लिबास पहनना उनका कानून है, गरीबों की झोली भरना उनका कानून है, मुस्कुराकर लोगों के दिल जीतना उनका कानून है, लोगों का बोझ उठाना उनका कानून है, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाना उनका कानून है, खुद पेट में पत्थर बांधकर दूसरों को अता करना उनका कानून है, गरीबों को माला माल करना उनका कानून है, बेटियों की आबरू बचाना उनका कानून है, बेटियों के सर पे शफकत का हाथ रखना उनका कानून है, बेटी आ जाए तो इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना उनका कानून है, यही सब तो उनका कानून है। और
बल्कि उनका कानून तो यह कि तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाल। अगर मेरी बहनों तक ये पैगाम पहुंच रहे तो उनसे भी कहता हूं, अगर कोई इस बला से सरशार है, अगर कोई इस बला में सरशार है और इस बला से सरशार है, तो उससे कहता हूं खुदा के लिए जवानी में रंगरेलियां मत करो। एक दिन इस बदन पे झुर्रियां भी पड़नी है, एक दिन ये बदन कब्र में भी जाना है। अगर कोई अपने हुस्न की नुमाइश करने के लिए और हुस्न को रोकड़ा करने के लिए तैयार है तो उसको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। और जिन मर्दों की तरफ जेवर और दौलत और बाइक पर घूमना और पार्कों में घूमने की लालच में अगर कोई कौम की बेटी किसी का हाथ पकड़ कर जा रही है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मर्दों का हाल गुलिस्तां के भौरों से भी ज्यादा खुदगर्ज है। भौरा एक मरतबा फूल का रस चूस करके जब भाग जाता है तो दोबारा कभी उधर का रुख भी नहीं करता। ये याल मर्दों का भी, अगर किसी ने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो वहां ढेर हो जाना, ये कोई अकलमंदी और दानिशमंदी नहीं है। ए कौम की नादान बेटियों, अगर किसी के एक जुमले पर कि मैं तुझसे प्यार करता हूं ढेर हो जाना, सबसे बड़ी गैर दानिशमंदी का काम है, क्योंकि वो एक ही जुमले पर आपका पूरा रस निचोड़ने के लिए तैयार है, आपकी जवानी लूटने के लिए तैयार है, आपकी आबरू लूटने के लिए। उससे सवाल तो करती हैं कि अगर वाकई उसके दिल में इतना दर्द भरा और प्यार भरा दिल होता तो वो अपनी दूध पिलाने वाली मां से प्यार क्यों नहीं करता, वो उंगली पकड़कर चलाने वाले बाप से क्यों प्यार नहीं करता, वो दूध शरीक बहन से क्यों प्यार नहीं करता। जो बदबख्त और कमबख्त इस कदर हवस परस्त हो कि वो अपनी दूध पिलाने वाली मां से प्यार ना कर सके, वो तुमसे क्या प्यार कर सकेगा। इसलिए खुदा के लिए अपनी हद में रहो। इस्लाम से बढ़कर किसी का कोई खैरखा नहीं है, इस्लाम से बढ़कर के कोई तहफ्फुज़ फराम नहीं कर सकता, इस्लाम से बढ़कर कोई आबरू को तहफ्फुज़ नहीं दे सकता। इसलिए अगर कोई बुरके को बदनाम करना चाहता है तो इंशाल्लाह बुरके को तो बदनाम नहीं होने देंगे, जैसे दाढ़ी बदनाम नहीं होने दी। एक वक्त था कि लोग दाढ़ी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन आज आ गए वहीं। दाढ़ी को टारगेट करने वालों, जब बाल सफेद हो जाते हैं तो फिर दाढ़ी को टारगेट करने वालों को ही वही, आखिर दाढ़ी में कुछ तो है कि मरने से पहले आपको दाढ़ी सूझ रही है, दाढ़ी में कुछ तो है। अगर दाढ़ी दहशतगर्दी की अलामत होती तो फिर बुढ़ापे में आपको क्या सूझा, पता चला दाढ़ी में कुछ तो है। ये दाढ़ी की बात बड़ी गाढ़ी है, आसानी से वहां तक रिसाई हो जाए तो अल्लाह कबूल फरमा ले। तो लोग बहुत टारगेट कर रहे थे दाढ़ी को, लेकिन दाढ़ी तो फिर दाढ़ी है ना, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत और महबूब की सुन्नत में कभी दहशतगर्दी नहीं हो सकती। लोग देर से आते हैं मगर वहीं आते हैं जहां मेरा महबूब होता है, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होती है। अल्लाह तबारक व ताला महफूज रखे, और अल्लाह बुरके कभी को भी तहफ्फुज़ फराम करना है। तो अर्ज ये कर रहा था कि उस आराबी ने पूछा कि मैं सबसे अच्छा और नेक बनना चाहता हूं, तो आका ने फरमाया अल्लाह की इबादत यूं करो गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहे हो, तो तुम्हें देख ही रहा है। कमेंट शेयर जरूर करिए।